फोटोग्राफर जिंदाबाद। आप सभी लोग जो अपने अपने पदों पर जीते हैं क्या कहेंगे कर्मचारी? सर्वप्रथम अपने चुनाव अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष तरीके से चुनाव को संपन्न कराया और यहाँ पर उपस्थित मैं एक एक दोनों बिल्डिंग में कार्यरत एक एक कर्मचारी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया। क्या रहेगी सबसे पहले पुरानी पेंशन? और आप महिला हैं, महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे आगे? महिलाओं के लिए जो उनके हित में है मैं सर्वप्रथम महिलाओं का भी ध्यान रखूंगी, क्या कर्मचारी हित में मैं सारा काम करूंगी। बीजेपी सरकार चल रही है, इसके लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगी अपने कर्मचारी? सबसे प्रथम हमारी मांग है कि ओपीएस पुरानी पेंशन बहाल हो। जय ओपीएस, जय ओपीएस, जय ओपीएस, जय ओपीएस। ठीक है, ठीक। आप निर्विरोध चुने गए हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये हमारे पूरा जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारियों का प्यार है, क्योंकि ये संगठन जब हम लोगों ने बनाया था मीना सिंह जी के नेतृत्व में, यूपी सिंह के नेतृत्व में, समरजीत जी के नेतृत्व में, आलोक सिंह जी के नेतृत्व में, और हमारा संगठन एक मान्यता प्राप्त संगठन है जवाहर भवन में लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे भाभी भी हैं मीना सिंह जी, इन्होंने हमसे पहले से इस जवाहर भवन इंदिरा भवन में बहुत काम किया है, और हम लोग एक टीम के नाते आप ये जान लीजिए कि जवाहर भवन के अंदर जितनी व्यवस्थाएं होंगी, महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था, हमारे पुरुष भाइयों के लिए उनके लिए मतलब अच्छी व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था जो भी रहेगी, और बैठने की सारी व्यवस्था, और यहाँ की वातानुकूलन की व्यवस्था, और जो यहाँ पर प्लांट हमारा लगा हुआ है, और यहाँ जो हमारा आरओ लगा हुआ है उसमें जो सिस्टम है उसको हम लोग चेक करते हैं, टीडीएस उसका नापते हैं, अधिकारियों को टाइट करते हैं कि अगर जो हमारे कर्मचारी भाइयों को सही पानी नहीं मिलेगा तो ये समझ लीजिए आंदोलन होगा और यहाँ पे रहने नहीं देंगे। और मीना सिंह जी के नेतृत्व में आज ये पहली बार नहीं दूसरी बार अध्यक्ष हुई हैं और भारी मतों से जीती हैं। इसके पहले मैं इनके खिलाफ लड़ा था लेकिन मुझे भी इन्होंने हरा दिया था, लेकिन मुझे इस चीज़ का वो नहीं, और मुझे मालूम है कि नेतृत्व, चूँकि मैं राज कर्मचारी महासंघ का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और हमारी भाभी राज कर्मचारी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं महासंघ की, तो इस नाते हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर जो हमें काम करना है वो हम मिलकर ही काम कर सकते हैं, लड़के काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने आप को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मैंने नामांकन किया कि संगठन में अगर हमें काम करने की क्षमता होगी तो हम एक नेतृत्व बना के, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ ली है और उसके नाते हम लोग काम करेंगे, और मीना सिंह जी के नेतृत्व में जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन आज के बाद पहले से भी काम कर रहा था, आज के बाद जो व्यवस्थाएं होंगी सारे विभाग के अंदर एकदम समुचित पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, और हमारे कर्मचारी साथियों को बैठने की उचित व्यवस्था, और यदि हमारे कर्मचारियों को कोई उत्पीड़न होगा तो हमारी भाभी जी मीना सिंह जी अध्यक्ष, पंकज मल्होत्रा जी हमारे महासचिव बने हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ, और पिछली बार इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था और आज जनता ने इनको मौका दिया है। तो साथियों, हमारी तो ये चीज़ है, ठीक है हम किसी को कैसे भी चुनाव लड़ाएं, लेकिन जो हमारी चयनित बॉडी आती है उसको एक पूरे उत्तर प्रदेश जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन सब लोगों को पूरे संगठित होकर एक साथ काम करना है, और आज के बाद जो भी सारे किसने किसको लड़ाया, किसने किसको जिताया, क्योंकि जनता ने सबको जिताया, जनता की सारी भावनाओं को कद्र करते हुए हम सारे पंकज मल्होत्रा जी, मीना सिंह जी और हमारी जो बहनें हैं जो जीती हैं, आप ये देखिए कि आज हमारा जवाहर भवन वेलफेयर एसोसिएशन क्योंकि महिला विंग की हैं तो महिलाएं संगठन में, और हमारी भाभी जी पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं, ऐसा नहीं है, ओपीएस में भी इनकी भागीदारी है, ओपीएस में भी महिला विंग में सबसे बड़ा नेता के रूप में मीना सिंह जी को प्रस्तुत किया गया है, और महिलाओं का इन्होंने जो सम्मान किया है, और महिलाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर मीना सिंह जी के नेतृत्व में जो मिलेगा वो, क्योंकि इनके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी लीडर महिला विंग में नहीं है, सारे संगठन लोग पुरुष वर्ग में रहते हुए, लेकिन आज जो हमारा पंकज मल्होत्रा एक मिनट वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि कर्मचारी हित
कर्मचारी हित एवं संघ के हित में पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से काम करूंगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कर्मचारी हित के विरुद्ध वो संविधान के विरुद्ध हो ईश्वर मेरी मदद करे जय सर। बोलो वजन के बलि की जय। बना लिया भैया जाइए कोई नहीं। बहुत बढ़िया। तीसरा राउंड 35 रेडी रोल राहुल आज जो कर्मचारी संघ का चुनाव हुआ है आप महामंत्री चुने गए हैं क्या कहना चाहते हैं? ये कर्मचारियों की मेहनत है और कर्मचारियों का निष्पक्ष ये जो कर्मचारियों ने मुझको जिताया है वाकई कर्मचारियों ने मुझको इतना कर्मचारी प्यार करता है और मैंने भी ये वादा करता हूँ कि कर्मचारी हित में पुरानी पेंशन सबसे पहली और ये जो आउटसोर्सिंग बंद करके उनको बच्चों को संविदा पे लाने का प्रयास और तीसरा प्रयास हम अपनी ये कभी जो कि नहीं है उसको करने का प्रयास करेंगे कि हमारे वहाँ जवाहर भवन इंदिरा भवन पे जो टोल टैक्स लगता है वो हमारे आई कार्ड पे फ्री टोल टैक्स किया जाए इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और पुरानी पेंशन के लिए चाहे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर और मोदी जी तक जाना पड़े क्योंकि मैं शाखा का आदमी हूँ जा सकता हूँ।